नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं लेकिन आपको जो डेटा मिलता है पर डे का 1 GB, 1.5 GB या 2 GB, अगर आपके लिए वो कम पड़ता है यानी कि आपको और डेटा चाहिए, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है, आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। अगर बात करूँ टेलीकॉम कंपनियों की, तो इंडिया में सिर्फ 4 कंपनियाँ इस समय हैं, रिलायंस जियो, एयरटेल, VI और BSNL। इन 4 कंपनियों में से सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी रहेगी आपको, जो कि आपको डेटा प्लान ऐसा दे जिसमें आपको इंटरनेट की दिक्कत तो ना हो, तो यही जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। एक एक वीडियो अपलोड करने के लिए 1 GB, 2 GB बहुत आसानी के साथ आपका डेटा खर्च हो जाता है। उसके साथ ही साथ और जो रिसर्च आपको करने पड़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी डेटा जाता है, यानी दिन भर का 5-10 GB आपका इंटरनेट पक्का ख़त्म होता है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिसमें आपको भर भर के डेटा मिले, आपको इंटरनेट की टेंशन ना लेना पड़े। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेगा नॉलेज बिन गए कॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो की, एयरटेल की, VI की और BSNL की। BSNL इस रेस में कहीं नहीं है, इसलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब बची 3 कंपनियाँ। अब इन 3 कंपनियों में से सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी रहेगी जिसमें आपको इंटरनेट की दिक्कत आपको ना हो, वो भी उस प्राइस में जिस प्राइस का आप रिचार्ज करवाते हैं, महीने का, 3 महीने का या इससे ऊपर का। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी कंपनियों में रिचार्ज लगभग सेम है। अगर जियो की बात करूँ तो महीने के हिसाब से लगभग 10 से 15 या 20 रुपये का फ़र्क पड़ता है, सस्ता पड़ता है जियो। लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो अगर आप जो भी प्लान लेते हैं, मान लीजिए आप 1.5 GB वाला प्लान लेते हैं, तो आपको उसमें 1.5 GB नेट पैक रोज मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS पर डे मिलेगा, साथ ही साथ कॉलर ट्यून मिलेगा आपको। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है, और यही चीज़ सेम कहानी आपका एयरटेल में भी है। तो इन 2 कंपनियों में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। अब बात करता हूँ मैं आपसे VI की। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सभी कंपनियों के प्लान सेम है, इसलिए ये 2 कंपनी हटा के मैं डायरेक्ट VI के बारे में बात करता हूँ। VI में अगर आप रिचार्ज कराते हैं 299 या इससे ऊपर का, जो कि हर कंपनी में कराते हैं आप रिचार्ज, तो इसमें क्या क्या मिलता है बेनिफिट, चलिए इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट पैक की, जो कि आपको 1.5 GB, 2 GB जो भी प्लान आप लिए हैं, तो ये जो नेट पैक मिलता है, अगर आप इस नेट पैक को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपने दिन भर नेट नहीं यूज किया है या कम यूज किया है, तो जो भी डेटा बचा हुआ है आपका सोमवार से शुक्रवार तक में, वो आपको शनिवार और संडे को मिल जाता है यूज करने के लिए। यानी कि आपने जितना पैसा पे किया है डेटा के लिए, 1.5 GB के लिए, 2 GB के लिए, जो भी प्लान आपने डलवाया है, उस प्लान में जो डेटा मिलता है अगर आप यूज नहीं किए हैं तो आपको पूरा मिल जाता है वापस। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट की बात करूँ तो VI में मिलता है आपको एक एक्स्ट्रा फीचर जिसका नाम है डेटा डिलाइट। अब ये डेटा डिलाइट क्या है, तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको जो नेटपैक मिलता है रोज, अगर आपको किसी दिन नेटपैक खत्म हो गया है, तो नेटपैक खत्म होने के बाद आप डेटा डिलाइट के माध्यम से आप 1 GB का नेटपैक ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आप उस इंटरनेट पैक को एक्टिवेट करके आप अपना काम कर सकते हैं, आपको अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करेंगे आप एयरटेल की, तो एयरटेल में 1 GB नेट पैक का जो कीमत है वो है 19 रुपये, और अगर जियो की बात करूँ तो भी 10-11-12 रुपये के आसपास है। तो ये आपको सेकंड फायदा हो गया, और सेकंड फायदा यही नहीं खत्म होता है, 1 GB जो आपको नेट पैक एक्स्ट्रा मिलेगा डेटा डिलाइट के अंतर्गत, ये आप महीने में 2 बार ले सकते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल गया। तीसरा और सबसे बड़े बेनिफिट की बात करूँ, जो कि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कराती होगी ये ऑफर, जो कि सिर्फ और सिर्फ VI दे रहा है। क्या है वो ऑफर, कि रात में 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक आप अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप 1 GB करिए, चाहे 100 GB करिए, चाहे आप 1,00,000 GB करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ये टोटली फ्री है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आप दिन में वीडियो शूट करिए, शाम को एडिट करिए, रात में अपलोड पर लगा दीजिए, भले आपकी जो फाइल साइज है वो 1 GB हो, 2 GB हो या 20 GB हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इससे चाहें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि कई फुटेजेस डाउनलोड करनी पड़ती हैं जो कि 100 MB की, 200 MB की या 500 MB की होती हैं। तो अगर आपको 1.5 GB का नेटवर्क रोज मिलता है तो उसमें आपको ये सारा काम नहीं कर सकते आप, लेकिन VI में ये सब चीज़ें बिल्कुल मिलती हैं फ्री, उसी रिचार्ज प्लान में जो आप डलवाते हैं महीने का, 3 महीने का या जो भी रिचार्ज डलवाते हैं आप। तो अगर आपके घर पर वाईफाई हो तो बात अलग है, वरना अगर आप मोबाइल के डेटा से यूज करते हैं तो आपके लिए VI पड़ेगा बेस्ट। तो ये रही पूरी जानकारी VI से रिलेटेड कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको पूरा ज्ञान।